संसद में घुसपैठ के आरोप में पकड़े गए आरोपियों से नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस घुसपैठ की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड ललित झा ने गुरुवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। ललित ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को उसने नीलम और अमोल का वीडियो बनाया था और उनके फोन लेकर वहां से फरार हो गया था। वीडियो बनाने के बाद ललित ने उसे इंस्टाग्राम पर डाला और कोलकाता के एक एनजीओ को भेजा ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके। उसने सबूत मिटाने के लिए खुद का और अपने साथियों का मोबाइल फोन जला दिया। इसके बाद ललित बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां वो अपने दो दोस्तों से मिला और एक होटल में रात बिताई। जब उसे खबर मिली कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है तो वो अपने एक दोस्त के साथ बस से वापस दिल्ली आ गया। यहां उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है। मामले को समझने और सबूत इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम संसद में सुरक्षा चूक के सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके लिए सभी आरोपियों को संसद परिसर लाया जा सकता है। संसद में घुसपैठ कर स्मोक कैन चलाने वाले सभी आरोपी भगत सिंह फैंस क्लब में शामिल थे। सोशल मीडिया ग्रुप पर ये लोग अपनी विचारधारा वाली पोस्ट डालते थे और वर्चुअली मिले। कई राज्यों के लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं। पांचवे आरोपी विशाल शर्मा से हिरासत में पूछताछ जारी है। अभी तक पकड़े गए आरोपियों का संबंध किसी आतंकी संगठन से सामने नहीं आया है। करीब 1.5 साल पहले ये मैसूर में मिले थे और तब से संसद में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक ललित झा ने मार्च में मनोरंजन को संसद भवन की रेकी को कहा। सागर भी जुलाई में संसद भवन आया लेकिन भीतर नहीं जा पाया। मनोरंजन और सागर ने देखा कि यहां जूतों की जांच नहीं होती है, इसीलिए स्मोक कैन को जूतों में छिपाया था। 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से आया, राजस्थान से भी एक अन्य को दिल्ली में पहुंचना था। अमोल ने ठाणे से लाए स्मोक कैन सभी को इंडिया गेट पर बांटे। सदर बाजार से तिरंगे भी खरीदे। मनोरंजन ने 2 पास हासिल किए, इसीलिए सागर मनोरंजन ही संसद में दाखिल हुए। पूछताछ में ये भी पता चला कि सागर ने लखनऊ में एक कारीगर से जूतों में कैन चिपकाने की जगह बनवाई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पर्चे भी मिले हैं। फिलहाल 4 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ललित को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने ललित को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।